औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला दे फजल करम उदी रहमत उदी शुक्र दे नाल अज दा व्लॉग करदे आं स्टार्ट। माशाल्लाह फसल हुण बूटा बना गई आ, खूबसूरत लग रहा काफ़ी विच वी। मैनू मोस्टली जिहड़ा ना जिहड़ी धान दी फसल आ बहुत अच्छी लगदी आ, क्योंकि हर तरफ सब्जा ही सब्जा ते खुशबूदार फसल। जिस टाइम ही गुजरो उस टाइम खुशबू आती है। इस फसल के बिच सफेद रंग के जदों बगले बैठे होंगे वो ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। चेक करो पीछे कि हरी फसल आ सफेद रंग के बगले बैठे आ ते बड़े प्यारे लग रहे। इस टाइम छे ते सूरज गुरूब होने के करीब आ। मैं क्या तुहानू जिहड़ा अपनी जिहड़ी फसल आ धान की फसल का कोई थोड़ा जिहा व्यू चेक कराना। मैं जा रहा सी अगे अपने करीबी पिंड 106 नोएल, तो ज़्यादा मैं अपना सौदा सलाब घर का उत्थू लै आना, क्योंकि एक मेरा करीब तरीन आ, दूसरा कारपेट रोड आ, तो सफ़र बहुत जल्दी जड़ा ना तकरीबन एक दो मिनट बंदा पहुँच जाता, तकरीबन उतू एक दो मिनट आसानी नाल पहुँच। यह चीज़ जड़ी आ उपर तह जी बन जाती है पानी के उत्ते, जिस तरह फफूंदी टाइप की की कहें। दरअसल पानी की रुकावट का जरिया बनती है, यानी कि पानी जड़ा ना धान की फसल काफ़ी देर तक जोड़े ना इतने जखीरा कर लेंदी है। इसकी वजह ना तो पानी की बचत हो जाती है, जितने भी देर पानी रुके इस बचत रही। सामने रेहड़ियाँ खड़िया लोग जड़े आदि गा वगैरह कर रहे हैं। पिंड बहुत करीब ही बंदा बंदा आसानी नाल पहुंच जाता। अस्सलाम वालेकुम। हूँ तकरीबन जी सर्दियों की मकई की काश काफ़ी हो चुकी है ज़्यादातर, तो बाकी कुछ हो रही है नाल स्प्रे वाई कर रहे हैं। कद्दू की फसल ना बारिश लोगों के काफ़ी नुकसान गिर गई। साडा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल 106 नाइन एल, ये प्ले ग्राउंड जिते बच्चे तकरीबन असर टाइम इतने खेलते हैं, वॉलीबॉल क्रिकेट और एथलीट वगैरह अपनी जी ट्रेनिंग करते हैं। भाई वैसे बाहर डेरिया तो जाते हैं, इतने इतने पिंड के भी काफ़ी आ बच्चे जेडे इतने खेलते अपना नट वगैरह ला के। मैं इतों तकरीबन 2005 इतने मैं मैट्रिक की, 2004-05 मैं एक्स होया, तो काफ़ी अरसे तो बाद इतने दोबारा मेरा चक्कर लगा। ये गुजर रहा इतने मैं अपना कुछ सौदा लेना सी,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 4 ਏਕੜ 'ਚ ਆ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਲ ਖੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਅਮੀਨ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2002 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਜ ਆ, ਮੇਨ ਗੇਟ, ਮੇਨ ਇੰਟਰੈਂਸ, ਓਪਸ਼ਨ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 106-9L। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਯਾਦ ਆ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਹੈ ਹਾਈਸਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ 9ਵੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਚੰਬੇਲੀ। ਇਹ ਗੇਟ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ 8th ਕਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ, ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 8ਵੀਂ, ਅੱਗੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਰਕ ਆਫਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ज़्यादातर लड़के जिस टाइम पीरियड अपना जिंदा इरादा नहीं आता सी ना पढ़न का वह यह रस्ता अख्तियार करते इस साइड तो ना पिछों निकल गए तो और सामने वाली दीवार पर लांघ के चले गए इतों टाइम टाइम की गल आती है बस मैट्रिक दे विच साढ़े टीचर ने कहा कि तुसी जिहड़ी अपनी तैयारी जिहड़ी है ना इत्थे रह के तुसी करो सारी क्लास साड़ी इस कमरे च रहिंदी हुंदी सी इह सामने वाला कमरा इस कमरे दे विच ते मैनूं याद आ कि साढ़े तकरीबन 20-25 लड़के हुंदे सी इत्थे ते दो विच शरारती भी सीगे काफ़ी फैसल और अली आबिद बलोच दोनों ही बलोच सी ते रात नूं इत्थे बिस्तरे पाने परले कमरे च असां स्टडी करनी रात नूं ते मैनूं अच्छी तरह याद आ कि पहले वो मिलते होंदे सी एक जबड़ा मुकम्मल दंद मिलते होंदे सी प्लास्टिक दे सफेद कलर च तो फैसल ने वो दंद लै के आया रात नूं उन्हें ते एक लेज़र लाइट होंदे सी उसके उन्हें इस तरह मूँह रख के ना दंद ते लेज़र लाइट लानी तो इतने नाल ही खिड़की दे इस खिड़की दे नाल लग जाना तो अली अबद आवाज़ निकलता सी बिल्कुल छोटे बच्चे दी ते जितने भी स्टूडेंट से उन्होंने उन्हें डराना वो रात में जिस टाइम सौन लगते सी ना इस तरह मूँह नाल ला के तो उन्हें आवाज़ा दूसरे अली अबद ने आवाज़ा कड़निया तो फैसल ने दूसरा लाइट लेज़र लाइट मूँह रख के तो इस तरह डरौनी जी शक्ल बना के लड़के नूं डराना काफ़ी लड़के रात तो गुजर गई एक रात गुजर गई अगर दूसरे दिन कुछ लड़के चले गए फिर दूसरी रात आई दूसरी रात ही उन्हें इस तरह किया और बाकी दे लड़के चले गए तो दूसरी रात जिस टाइम दोबारा आया ना एक दफ़ा वो डरा के तो बह गया तो दूसरी दफ़ा उठन लगा तो उन्हें इस तरह दोबारा हाथ रखे ना इस तरह तो उन्हें इतनी घड़ी होंगी हाथ से वो लाइट लगी ना अंदरों तो घड़ी चमकी मैनू पता लग गया कि ये बंदा कोई ये कोई भी चीज़ ना वैसे सही पूछो तो मैं भी डर गया सी कि क्योंकि इतना रात में वैसे भी बड़ा खौफ होंदा सी इत्थे मैनू पता चल गया मैं अंदर झंडे अंदर से झंडे डंडिया के उत्ते झंडे ला के ना तो सारे इन्हें सड़कों के उत्ते अगे लेंदे होंदे सी मैं डंडा चुकिया मैनू पता सी कि इन्हें दौड़ना इधरों दी वो इधरों इंज करके दौड़िया अगे सामने अगू सामने मैं डंडा लैके आ गया मैं इस तरह मारन का इशारा किया तो कहता कि ना ही यार राय ना कुछ कहीं मैं डरा रहा सी मैनू हूँ कुछ ना कहीं मैं छड़ दे मैं यार तू सारे जड़े है ना बच्चे ने सा दिते आ सारे ये तू ठीक नहीं किया कहता कि टीचर नू नहीं दसना तो यार जो होगी गलती होगी एवं शुगल दे विच कि दस्या ना लेकिन लड़के सारे नस गए बाकी तकरीबन मेरे वैसे घर शादी का भी माहौल सी मेरे बड़े भाई की शादी सी उन्हां दिनां दे विच घर मैं जा नहीं सी सकदा ते इत्थे मैनूं रहना पै गया मेरे नाल एक बशीर आंदा सी मलक बशीर खोखर अपने हीटर वगैरह सारा समान इत्थे रखे होया सी सौन मगरब तो बाद चाह वगैरह पीना इत्थे ही बनानी ते बिस्कुट वगैरह लाए के बाहर नहीं सी जाने दे इत्थे ही मगरब तो बाद जिहड़ा ना लाक ला देना इत्थे ही अपना जिहड़ा ना रात इत्थे गुजारनी पड़ना फिर सौ जाना वो एक दिन उन्होंने भी एवं शक जिहा होया पता नहीं इत्थे इत्थे हुंदियां सी इस जगह ते इत्थे ना टूटियां वो हाली खड़ियां वा इत्थे बात हुंदा सी आया इत्थे बेचारा इत्थों डर गया अगले दिन वो भी नस गया रह गया मैं ही कल्ला शादी तकरीबन 4-5 दिन शादी चली आ शादी का माहौल रहा तो उस तो बाद जिहड़ा ना एक दफ़ा मैं भी आया ना इत्थे मगरा टाइम मैनू भी उहदा ना कुछ महसूस होया कि वाकई कोई ना कोई चीज़ हैगी मुश्किल नाल तो गड्ढे रात नूं जिहड़ा ना अखां अखां बंद करके कन्न बंद करके सौ जाना तो 5 दिन बड़े मुश्किल गड्ढे फिर मैं ही चला गया मैं आखिया भाई सारे चले गए तो मैं ही रह गया बस सारिआं नूं सद्दिआ हाँ अलग मेरी ड्यूटी 2 बजे शुरू होंदी है सैकंड टाइम दी दस बजे तक शाम दे सही है अरे रक्षानी बनिया मैं लेते क्या ये है वो मैं सर मेरा प्लाट देख लो मेरे प्लाट के खालियाँ देख लो काम हो जाता है थोड़ी जगह मशीन फेरना पानी है नहीं मैं 2 बजे आके भी फेर देती
सही है आया तेरा काम तो मैं चेक कर रहा होया पे तू यार क्यों नहीं किया मैं कह रही हूं ओ नंदी यार तो नंदी जी यार मैं ना ही काम ले सारे ने पूछ मैं तो बहुत लगा मैं तो 3 बजे से पहले हम सुन के क्या बात आज के गाल गया पानी पीनी सगा पी के आके आ झाड़ू का आपदा चढ़ कर सोना जरूरी एक और छड़ी थोड़ी यार कार के ते दूसरा लियाकत ते लियाकत हमने रात 10 बजे उंदी 10 बजे तो बाद रात दी रात दी यानी कि रात सुबह 6 बजे तक वो सादा काम करना है आगे भाई सुबह करे बंदे मर्जी करे करना उसी अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना चैनल ते नए हो तो चैनल नु सब्सक्राइब जरूर करना नाल बेल आइकन दा बटन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन है तुहाडे तक आसानी नाल पहुंच सके अल्लाह हाफिज़।